वेलकम वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल आयुष रेड्डी के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ नीट के एक और फ्रेश एपिसोड में। और इस वीडियो में मैंने लिया है फिजिक्स का तीन क्वेश्चन, नीट 2016 का फेज वन का क्वेश्चंस लिया है मैंने, और तीनों ना सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो देखो यार, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस लिया है, तीन क्वेश्चन है फिजिक्स का, नीट 2016 फेज वन, नीट 2016 फेज वन, नीट 2016 फेज वन का तीन क्वेश्चन है फिजिक्स का, सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन है, तीनों का तीनों एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहाँ पर वेलोसिटी हम लोग को दी हुई है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेलोसिटी का, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, हम लोग को सॉल्व करना है। दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर हम लोग को फोर्स दे रखा है, फोर्स का इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना है कि पावर कितना है, ठीक है। और पावर यहाँ पर हम लोग को निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवल निकालना था। और यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि द चार्ज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आर वेरीज विद टाइम टी, एज चार्ज दे रखा है हम लोग को, चार्ज का इक्वेशन दे रखा है, और यहाँ पर ए और बी वापस से कॉन्स्टेंट्स हैं, और टोटल हीट यहाँ पर हम लोग को प्रोड्यूस यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसको कैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, तीनों में इक्वेशन दे रखी हैं और कुछ कुछ हम लोग को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर वी इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, तो हम लोग को पता है कि वी होता है डी एस बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो डी एस आ जाता है वी डी टी, और इंटीग्रेट कर देंगे हम लोग तो मिल जाएगा यहाँ पर एस, ठीक है। तो यहाँ पर इंटीग्रेट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में हम लोग, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर ए टी स्क्वायर बाई टू प्लस बी टी क्यूब बाई थ्री। यहाँ पर जो लिमिट्स होगा वो होगा, क्वेश्चन में दे रखा है 1 से 2 सेकंड के बीच में निकालना है, तो 1 से 2 सेकंड के बीच में यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो 1 होगा लोअर लिमिट, 2 होगा अपर लिमिट, और यहाँ पर जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट का, तो हो जाएगा यहाँ पर 2a प्लस 8b बाई थ्री, और फिर माइनस कर देंगे हम लोग लोअर लिमिट से, 1 बैठाएंगे तो हो जाएगा a बाई टू प्लस b बाई थ्री। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, मिल जाएगा पहले तो 3 बाई 2a, और फिर मिल जाएगा 7 बाई 3 बी। तो जो डी ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, वो एकदम करेक्ट निकल के आ रहा है यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फोर्स हम लोग को दे रखा है, ठीक है, आई जे के फॉर्मेट में है, यूनिट वेक्टर्स है, और पावर हम लोग को निकालना है। तो पावर क्या होता है, पहले तो सोचो पावर क्या होता है, एफ डॉट वी, पावर होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पर फोर्स तो हम लोग को पता हुआ है, दिया हुआ है, बट वेलोसिटी नहीं पता, तो पहले वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होता है, देखो एक्सेलेरेशन होता है डीवी बाई डी टी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ ए डी टी, ठीक है ना। अब एक्सेलेरेशन भी क्वेश्चन में नहीं पता, बट एक्सेलेरेशन फोर्स बाई मास होता है, तो एक्सेलेरेशन को लिख दो फोर्स बाई मास, और मास हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले ही लाइन में, अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। तो मास का वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा वेलोसिटी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ बाई 1 डी टी। तो जो हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एज इट इज फोर्स हो जाएगा, और डिवाइड हो जाएगा 1 से हर जगह, ठीक है, तो वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो सेम एज इट इज लिख दो, और फिर इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी, ठीक है। इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा इंटीग्रेट करने के बाद में टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब, ठीक है, ये मिल जाएगा हम लोग को वेलोसिटी। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, आई और जे के फॉर्मेट में है ही है, तो इसको हम लोग को डॉट प्रोडक्ट कर देना है फोर्स के साथ में, तो हम लोग को मिल जाएगा यहाँ पर पावर। तो पावर क्या होगा, एफ डॉट वी, एफ का वैल्यू कितना है 2t² प्लस 2t i कैप प्लस 3t² j कैप, और यहां पर वेलोसिटी का जो वैल्यू है t² i कैप प्लस t³ j कैप, इसको हम लोग पुट कर देंगे एज इट इज, और यहां पर सॉल्व होकर हम लोग को मिल जाएगा 2t³ प्लस 3t⁵, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं, वेलोसिटी यहां पर हम लोग को खुद से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पे जो लास्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि यहां पर चार्ज दे रखा है हम लोग को, ठीक है, और हम लोग को निकालना है टोटल हीट। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, चार्ज दिया हुआ है हम लोग को, तो पहले तो करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। करंट क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, करंट आ जाएगा ए माइनस 2bt, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, करंट आ गया। अब चेक करना है कि ये करंट कब तक फ्लो करेगा, तो करंट जब जीरो होगा तो टाइम निकालते हैं, करंट जब जीरो होगा तो इसको इक्वेट कर दो जीरो से, तो a माइनस 2bt क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर टाइम कितना निकल के आ जाएगा, a बाई 2b, मतलब इस टाइम तक करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को फॉर्मूला लगाना है पहले तो टोटल हीट का। हीट क्या होता है, जगह थोड़ा सा कम है यहाँ पर, हीट क्या होता है, i²rdt का इंटीग्रेशन है ना, i²rdt का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पर i की वैल्यू हम लोग को पता है, r तो रहा कॉन्स्टेंट एज इट इज आंसर में भी दिया हुआ है,
तो आई की जगह हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे ए माइनस टू बी टी एज इट इज पूरा का पूरा, और फिर स्क्वायर कर देंगे ए माइनस टू बी टी को स्क्वायर कर दो, आर को एज इट इज लिख दो, डी टी को एज इट इज लिख दो, इंटीग्रेट मार दो। अब यहां पर जो लिमिट्स पुट करेंगे ना हम लोग, वो आएगा हम लोग का जीरो से लेकर इस टाइम तक, ठीक है, ए बाई टू बी तक, ठीक है। तो अब यहां पर जो हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो हम लोगों को पहले तो नॉर्मल स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी वाला फॉर्मूला लगा दो, तो ये आ जाएगा माइनस फोर ए बी टी, इस तरीके से आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाद। आर तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है ही है, आर कहीं भी घुसा दो, और इंटीग्रेट करना हम लोग को जीरो से लेकर टाइम टी तक, जब तक करंट जीरो होता है, ठीक है। अब इंटीग्रेट करने के बाद क्या आएगा, ए स्क्वायर टी, ठीक है ना, प्लस 4 बी स्क्वायर टी क्यूब बाई थ्री माइनस 2 ए बी टी स्क्वायर, ठीक है, टी स्क्वायर बाई टू आएगा, 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो ऊपर 2 बच जाएगा। आर तो एज इट इज है, और इसको हम लोग को यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, अपर और लोअर लिमिट टी का यहाँ पर वैल्यू पुट करना है, और टी के जगह हम लोग क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, ए बाई टू बी का वैल्यू पुट करेंगे। अब यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा कम है, आप इसको सॉल्व करके देख लेना, टी के जगह आप पुट कर लेना ए बाई टू बी, आपको जो आंसर है वो मिल जाएगा सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक है। टी का वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करके देख लेना, आपको इजीली आंसर यहाँ पर सॉल्व होकर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, बट तीनों सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन थे, तो मैंने एक साथ इनको ले लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ऐसे आते रहते हैं नीट में बहुत बार, नीट में ही क्यों, जेई मेंस में भी आते रहते हैं। यहाँ पर आई दिया हुआ था, हम लोग को हीट निकालना था, फॉर्मूला लगाए, सब्सटीट्यूट किए, इंटीग्रेट किए, और फिर उसके बाद में चेक किए कि किस टाइम पर करंट जीरो हो जाएगा, और उस टाइम को यहाँ पर हम लोग पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। इसी तरीके से एक तीनों क्वेश्चन सॉल्व होती हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को, बाकी तो बस यही बात है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपने से कुछ सीखा, अगर आपने से कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बने रहिए।